केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद हुए भयानक भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। 43 लोगों की जान अब तक यहां पर जा चुकी है। मेपड़ी के पास कई पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इस दुर्घटना के बाद और भी लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की गई है। अलग अलग हादसे हुए हैं जिसमें अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है, 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं और ये आशंका जाहिर की गई है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। बचाव अभियान जारी है लेकिन भारी बारिश से राहत और बचाव में अच्छी खासी दिक्कतें यहाँ पर बचाव कर्मियों को आ रही हैं। मंगलवार तड़के मेपड़ी के पास मुडक्कई और चुरालमाला में भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। NDRF की टीमें, स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार जुटा हुआ है। यहाँ पर नेवी को भी बुलाया गया है, मौके पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिया है। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। प्रधानमंत्री राहत फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। See, we are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself. And all hospitals are set and we have received some 24 bodies in different hospitals. And many are injured. So, they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also. That's we have ensured that. We have NDRF team there, but 4 more teams will be joining there, and also we have fire force teams there, civil defence team is there, and also Navy will be reaching there. Honorable Chief Minister has informed, so Chief Minister has sought the help of Army, Navy, etc. Chief Minister is coordinating disaster management operation. From his office, and the team of ministers will coordinate rescue operations in the field. Police, fire force, NDRF and other agencies are already undertaking operations on a war footing, and we have sought army's help. Army will reach the site soon. 250 people have been rescued. Government has officially confirmed 43 deaths, and the gravity of this disaster is much more than these numbers. And all possible efforts are being made to rescue people and to recover bodies. और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रतिभा रमन जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रतिभा, जब कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी तो मरने वालों की तादाद 24 थी और अब सीधे मरने वालों की तादाद जो है वो 43 तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से हम एक MLA को भी अभी सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि जो ये नंबर्स अभी सामने आए हैं उससे बहुत ज्यादा इस हादसे की, इस एक्सीडेंट की ग्रेविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? जी, हमें ये मालूम पड़ रहा है कि 5 मिनिस्टर जो है डिप्लॉय हो चुके हैं वायनाड में और पूरी तरह की ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ से लीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ से NDRF, नेवी और डिफेंस टीम्स जो है पूरी कोशिश के साथ वहाँ की जो स्ट्रैंडेड मेंबर्स हैं उनका असल लोकेशन में पहुँचने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। रोप के मुताबिक उन लोगों का रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है क्योंकि मौसम वहाँ पे बहुत गंभीर होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स और एयरलिफ्टिंग का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो पड़ रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारे टीम्स जो है वहाँ पे एक पूरा गांव जो है फ्लैश फ्लड की वजह से इनंडेट हो चुकी है और एक ब्रिज का कोलैप्स होने की वजह से 400 फैमिली जो है वहाँ पे आइसोलेट हो चुके हैं। किस तरह से उन तक पहुँचने का जो जिम्मेदारी है उस तरह का डिस्कशन भी अभी हो रही है। चीफ मिनिस्टर वहाँ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस में मौजूद है और पूरी तरह से वहाँ से लीड कर रहे हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन। अब देखना पड़ेगा कि पूरी तरह का ये डैमेज की असेसमेंट जो है बहुत दिनों तक चलता रहेगा और ऑफिशियल फिगर्स जो है वो बहुत देर के बाद ही मालूम पड़ेगा। जी प्रतिभा, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है क्या वो सेंसिटिव एरिया था, क्या किसी तरह की पहले से वहां पर इंतजाम कुछ किए गए थे या जो टूरिस्ट जा रहे थे उन्हें कोई चेतावनी दी गई थी?
कि पहले वाली जो लैंडस्लाइड हुई थी, हमको ये मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे ऑलरेडी रेड अलर्ट इश्यू हो चुकी थी, क्योंकि दो दिन से वहाँ पे हैवी रेन था और ये एरिया का नाम है मेपड़ी, और मेपड़ी में जब पहला वाला लैंडस्लाइड हुआ था वो ठीक 1 बजे को हुआ था, और बहुत सारे जो रेस्क्यू एफर्ट्स की वजह से उन लोगों को एक दूसरी तरफ जो अरेंजमेंट की गई थी वहाँ पे उन लोगों को कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था वो है दूसरी और तीसरी वाली लैंडस्लाइड जो करीबन वही जो स्कूल जो क्या के तरफ इस्तेमाल हो रहा था उस सारे स्कूल जो है वहाँ पे नुकसान हो चुकी थी और बहुत सारे घरों का नुकसान भी हो चुका था, और ये एंटिसिपेट ना करने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गई थी, और वहाँ पे ऑलरेडी जो हिली एरिया है और 2 दिन का जो हैवी रेन है और फ्लैश फ्लड भी होने की वजह से ये नुकसान जो है वो बहुत पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ना हेल्प कर रही है और वहाँ पे जो पावर आउटेज है उसका भी दिक्कत हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल प्रतिभा, और हम तस्वीरों से भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि इस वक्त क्या स्थिति वहाँ पर पैदा हुई है। केरल के वायनाड के पास जो मेपड़ी के आसपास का इलाका है, ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं, किस तरह से एक गाड़ी जो है वो फंसी हुई नज़र आ रही है, और ऐसे कई लोग हैं, कई टूरिस्ट जो हैं वो अलग अलग इलाकों में यहाँ पर फंसे हुए हैं, और जिस तरह से प्रतिभा बता रही है सैकड़ों परिवार हैं जो अभी भी एक तरफ फंसे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, NDRF की टीमें हैं और नेवी को भी कुछ देर में पहुँचना है, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए लिखा है कि वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूँ, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पी विजयन से मेरी बात हुई और वहां के मौजूदा हालात के मद्देनज़र केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। और वहीं PMO ने सोशल मीडिया एक्स पर मुआवजे के ऐलान की जानकारी लिखी है। PMO के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने वायनाड के कुछ इलाकों में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए मदद दी जाएगी। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं से काफी चिंतित हूं। NDRF युद्ध स्तर पर सर्च और राहत अभियान में जुटी हुई है। अभियान को और मजबूती देने के लिए दूसरी टीमें भी पहुंचने वाली है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है कि मैं वायनाड में मेपड़ी के पास हुए भारी भूस्खलन से बहुत व्यथित हूं। मेरी हार्दिक संवेदना उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।